स हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्शन ड्राइंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्ट विच वी हैव क्रिएटेड इन द प्रीवियस सेफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन ड्राफ्टिंग कैटिया में ड्राफ्टिंग एक सेपरेट इन्वायरमेंट है जहां से हम किसी भी पार्ट या असेंबली के ड्रॉइंग्स बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द पार्ट और असेंबली व्हाट वी हैव क्रिएटेड बना सकते हैं नाउ हियर द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज शीट साइज रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग इन अ इंटरव्यू समाइम्स स्टैंडर्ड शीट साइजेस आर आस्क्ड एज क्वेश्चन सो एज वी कैन सी हेयर द डिफॉल्ट इज ए साइज suppose if we want to modify the size we can go to modify and here we have been provided with the standard that is iso standard iso standards are mostly preferred in indian industries apart from that we have been provided different standards here we can select the sheet size so for example agar ड्रॉइंग का प्रिंट आउट एक नॉर्मल डेस्कटॉप प्रिंटर से निकालना है देन हेयर वी कैन सेलेक्ट द ए फोर साइज ऑल्सो और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ड्राॅइंगस आर ऑफ ए थ्री साइज सो आई विल सेलेक्ट ए थ्री साइज हेयर वी हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द शीट जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा है लैंडस्केप मीनिंग द शीट साइज विल बी width will be 290 sorry width will be 420 and height will be 297 mm suppose if you are selecting portrait then in that condition 297 will be the width and 420 will be the height so I will say ok then ok now by default when इन द शीट वी प्लेस एनी व्यू और व्यूज ऑफ द पार्ट और असेंबली दे आर क्रिएटेड इन वन इज टू वन स्केल मीनिंग जो उनका ओरिजिनल साइज है पार्ट और असेम्बली फाइल में उसी में वो यहाँ पर प्लेस होते हैं हाउ एवर वी हैव टू टेक अट दैट ये जो बॉर्डर हमें दिख रहा है दिस इज अवर प्रिंटिंग एरिया सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट जो भी हमारे व्यूज हैं इस बॉर्डर से क्रॉस नहीं होने चाहिए अदरवाइज दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रिंट आउट नाउ टू क्रिएट द व्यूज फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ पेरेंट व्यू एंड देन बाई टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द पेरेंट व्यू हम बाकी के व्यूज बना सकते हैं सो फॉर दैट हेयर इन व्यूज टूल बार वी हैव अ ऑप्शन कॉल्ड एज फ्रंट व्यू सो so, हमें यहाँ जाना है फ्रंट व्यू नाउ फ्रंट व्यू मुझे पार्ट से क्रिएट करना है सो फ्रॉम विंडो आई हैव टू गो टू द पार्ट नाउ फॉर क्रिएटिंग द फ्रंट व्यू मैं इस पार्ट का कोई भी लीनियर फेस और प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ फॉर क्रिएटिंग द फ्रंट व्यू बट आई कैन नॉट टेक द रेफरेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल फेस और नॉन लीनियर फेस

And by selecting this view frame, we can drag and place the view here. Now as compared to the sheet size, here per view small. Dikh raha hai. So we have to take care that in the sheet maximum areas has to be covered by the view. So for changing the scale of the view, we have to select the front view. Then go to properties.

यहाँ पर हम स्केल वन इज टू टू मैंशन करें थ्री इज टू वन मैंशन करें ऑलवेज रिमेंबर आपके पार्ट में जो ओरिजिनल डायमेंशंस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे अगेन फॉर डिस्प्लेइंग द हिडन फीचर्स ऑफ द पार्ट वी हैव टू गो इन ड्रेसअप एंड हेयर वी हैव टू चेक ऑन ऑल द ऑप्शंस देन अप्लाई सो नाउ We have got all the hidden features getting displayed also. So, again, I will place this particular view here. Now, next, I have to create a section view. So, for creating the side section view or any view by taking the reference of a plane, we have an option here called as aligned section view. for creating the section view we have to create a line consisting of three points and lying in the same plane so we have to go to align section view now for creating the view we can start creating the line by three points and we have to make sure that no points a key alignment may now here टू एंड द प्रोफाइल हमें डबल क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन से एंड नाउ वी हैव कॉट दिस सेक्शन व्यू इजी टू मेक है यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो व्यूइंग डायरेक्शन है वो जैसा ड्राइंग में मेंशन में किया गया है वैसा ही आया है ओके सो हेयर इट्स क्वाइट इजी टू क्रिएट द सेक्शन व्यू बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ अ पेरेंट व्यू अगेन यहाँ पर अगर आपको ये हैचिंग लाइन को एडिट करना है आप कहीं भी डबल क्लिक करेंगे सो हेयर द सॉफ्टवेयर गिव्स यू वेरियस ऑप्शन टू एडिट द हैचिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हैचिंग के बीच का डिस्टेंस मॉडिफाई करना है देन यू कैन इनपुट हेयर द वैल्यू पिच वैल्यू

सम डायमेंशन इज ऑमिटेड बाय द सॉफ्टवेयर यहाँ पर हम